जय हिंद प्यारे मित्रों, झारखंड की तरफ से एक ऐसा वैकेंसी निकल कर आया है जो ये वैकेंसी में आप लोगों की ना तो फिजिकल है और ना ही तो इसमें आपको मतलब कि मेडिकल है, मतलब ज़्यादा इसमें आप लोगों की फिजिकल मेडिकल कुछ भी नहीं है। सिंपल एग्ज़ाम आपको क्रैक करना है और इसमें आपको ज्वाइनिंग लेना है और इसकी ना वो 30,000 से स्टार्टिंग है और इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो टेंथ बेसिस पर एग्ज़ाम लिया जाएगा। सिंपल सा एग्ज़ाम पास करना है और एग्ज़ाम में भी ऐसा मतलब ये है कि जो जैसे आप एसएससी और चाहे वाले जो है जिसमें रीजनिंग वगैरह हो गया ज़्यादा, मैथ और इंग्लिश वगैरह ये सब ज़्यादा है, उस सब इसमें नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो है टेंथ बेसिस पर आप टेंथ में जो भी आप पढ़े हैं उसके आधार पर एग्ज़ाम लिया जा रहा है। सिंपल सा आपको पास करना है और इसमें ना फिजिकल देना है और ना ही तो टाइपिंग है, ना मेडिकल है, ना रनिंग है, कुछ नहीं है। सिंपल सा इसका सिलेबस भी है और इसका वेतन जो है ना वो 30,000 से स्टार्ट हो रहा है। और हिंदी और इंग्लिश ये जो आप देख रहे हैं दो ऐसे भाषाएं हैं जिनमें स्टूडेंट मतलब टेंथ किए होते हैं या पढ़े होते हैं और जानकार होते हैं दो भाषाओं में। आप दोनों में से कोई अगर एक है ना हिंदी में चाहे इंग्लिश में जानते हैं तो आराम से ये आप वैकेंसी को एकदम दे सकते हैं और इसमें नौकरी पा सकते हैं। 30,000 से वेतन स्टार्ट है तो इसकी जो जॉब है ना, ये जॉब बता रहे हैं झारखंड में आया हुआ है और झारखंड का ही नहीं बल्कि आप अदर स्टेट वाले भी इसमें भर सकते हैं जनरल कैटेगरी से। बाकी झारखंड के जो मूल निवासी हैं उन लोग अपना अपना कैटेगरी से इसमें फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। अप्लाई डेट जो है वो 1/8/2024 से स्टार्ट हो गया है, यानी 1 अगस्त से स्टार्ट है और लास्ट डेट जो है वो 31/8/2024 तक है। तो आप इसमें अप्लाई कर लीजिएगा। झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता नई भर्ती निकल कर आई है। हम बात कर रहे हैं JFWCE 2024 का, यानी झारखंड फील्ड वर्कर कंपेटेटिव एग्ज़ाम 2024 की बात बता रहे हैं। और ऐसे जॉब को अगर मिस कर देते हैं ना बाद में बहुत बड़ा मतलब कि पछतावा कीजिएगा, क्योंकि ऐसे में सिंपल टेंथ के बेसिस पर ये आपका सिलेक्शन होगा और ज़्यादा इसमें ना सिलेबस भी हार्ड है। आप आराम से सिंपल आप एग्ज़ाम पास कीजिए, ना रनिंग फिजिकल कोई भी इसमें टेंशन ही नहीं है। और क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, 10वीं पास। आपका परसेंटेज क्या है उससे भी मतलब नहीं है, 10वीं पास आप हैं और इसके टोटल पोस्ट है ना वो 510 हैं। और उम्र भी देखिए, उम्र के भी इसमें आप लोगों कोई झंझट नहीं, उम्र भी काफ़ी है, उम्र सीमा है। इसमें आपके काउंटिंग जो है ना 1/8/2024 तक काउंटिंग होगा और इसमें जो बताया गया है यूआर चाहे EWS से हैं आप कैटेगरी से तो उसमें 18 से लेकर 35 ईयर तक है, काफ़ी है। उसके बाद अगर आप OBC 1 है चाहे 2 है उसमें 18 से लेकर 37 ईयर तक है और AC ST में 18 से लेकर 40 और फीमेल कैंडिडेट के लिए 18 से लेकर 38 है। मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी आया हुआ है तो दोनों अप्लाई कर लीजिएगा। अप्लाई करते समय भरते समय जनरल चाहे OBC हैं इनके आपको 100 रुपये देने होंगे इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो, बाकी AC ST या फीमेल कैटेगरी से हैं तो आपको 0 रुपया लगने वाला है। तो आप आराम से फॉर्म भी भर सकते हैं, 100 रुपया क्या रखा है। और जो अगर SC ST कैटेगरी से हैं तो आपको 0 रुपया है, फॉर्म तो डाल ही दीजिएगा। 10वीं पास हैं जो इस बार बच्चे पास किए हैं उन लोग के वले वले मतलब कि मजे आराम से पढ़े हुए हैं, तत्काल आपका सिलेबस भी अभी आप लोगों की ख़त्म हुआ है तो उन लोग तो आराम से एग्ज़ाम निकाल लीजिएगा। बच्चों इसमें बात करते हैं कि एग्ज़ाम कैसा होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो इसमें आपको ना एग्ज़ाम पहले लिया जाएगा, एग्ज़ाम भी सिंपल से एग्ज़ाम है भाई। एग्ज़ाम क्या करना है, वो मार्कशीट पर लेगा या फिर CBT एग्ज़ाम लेगा। वो मार्कशीट समझते हैं आपको गोल गोल 4 गो ऑप्शन रहेगा, तुक्का मारना है, या तो फिर ऑफलाइन लेगा तो वो मार्कशीट देगा। अब अगर आपकी ऑनलाइन लेगा तो ऑनलाइन में आपको CBT देना होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा, कंप्यूटर पर जानते हैं ना, बस आपको ऑप्शन क्लिक करना है। और उसके बाद एग्ज़ाम पास कर लीजिएगा तो आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, दस्तावेज के लिए। फिर उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर आपको हाथ में धरा दिया जाएगा, लो, और फिर अगला महीना से 30,000 सैलरी बनने लगेगा। काफ़ी अच्छा है, छोड़ना नहीं है, जानकारी नहीं था जानकारी दे दिए, फॉर्म को डाल दीजिए।
ठीक है ना, आपके 18, अगर आपके 18 हो गए हैं तो आप फॉर्म को जरूर भर देना। ठीक, सिलेबस बात करते हैं कि इसमें पढ़ना क्या होगा। मान लेते हैं फॉर्म डाल दिए, अब उसके बाद रनिंग ना फिजिकल कुछ भी टेंशन नहीं है, एग्जाम पास करना है, तो थोड़ा सा सिलेबस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाए। तो सिलेबस में आपको देखिए क्या होगा, सिलेबस में आपको ना तीन पेपर को क्रैक करना होगा, पेपर वन, पेपर टू, पेपर थ्री। तीन पेपर क्या है, मतलब तीन पेपर में आप लोगों की बता दें कि ये जो पेपर वन जो दिख रहा है ना, इसमें आपको क्वालिफाई करना होगा। अगर इसमें आपको क्वालिफाई करते हैं तो पेपर टू और पेपर थ्री जो है वो आप लोग इसके बेस पर मेरिट लिस्ट बनेगा, मेरिट लिस्ट जारी होगा। यानी आपका जो पेपर वन में वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में से आप किसी भी मतलब कि जानकार हैं, हिंदी से तो हिंदी से एग्जाम दे दीजिए, इंग्लिश है तो इंग्लिश। और मान लेते हैं कि कुछ अगर हिंदी में जानते हैं और कुछ इंग्लिश में जानते हैं तो दोनों मिक्स कर लीजिए उसमें, मतलब हिंदी से 80 क्वेश्चन रहेगा और इंग्लिश से 40 क्वेश्चन, टोटल रहने वाले हैं 120 क्वेश्चन रहेंगे। मान लेते हैं कि अगर हिंदी में अगर हमसे 60 क्वेश्चन बन पाया, 50 क्वेश्चन बन पाया, उसके बाद अगर आप इंग्लिश में जितना बन पाता है बना लीजिए आराम से, समझ में आ गया। तो इसमें से आपको टेंशन नहीं लेना है, हिंदी इंग्लिश आप पेपर दीजिएगा तो इसमें कितना पास करना होगा पेपर वन में, इसमें लाना है 30%। आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई होने के लिए आपको 30% लाना होगा। 30% अगर आप ला लिए तो ये पेपर आपके लिए इसमें पास हो जाएगा। फिर उसके बाद आपके पेपर टू होंगे, पेपर टू जो है क्षेत्रीय भाषा, जैसे आप लोग मराठी हो गए, खोरठा हो गया, या मैथिली हो गए, मतलब जो भी आप भाषाएं होते हैं उन भाषाओं में जो भी अगर आप एक भाषा जो है वो एकदम अच्छा तरीके से जानते हैं उसी भाषा को आपको लेना है। वो भाषा आपको रहेंगे 100 नंबर के, अरे 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेगा 3 नंबर के रहेंगे, यानी 300 नंबर का आपका रहने वाला है ये। और आपको यही जो पेपर दिख रहा है ना, यही पेपर आपको नंबर जुड़ेंगे, ये पेपर नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई होना है, पास होना है। अगर आप इस पेपर में पास नहीं हुईगा ना, 30% नहीं लाइएगा तो ये पेपर दोनों चेक ही नहीं होगा। आपको ये दोनों पेपर चेक होने होगा कब, जब आपको इसमें आपको 30% लाइएगा तब। अगर इसमें 30% है तभी आपको ये दोनों पेपर आपको चेक भी होगा। तो इसमें आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे, तीन नंबर का, यानी 300 नंबर है। इसमें आपको 2 घंटा की टाइम दिया जाएगा, 2 घंटा की, और निगेटिव मार्किंग भी रहेगा, याद रखिएगा। यानी आप 1/3 का है, यानी 1/3 के कहने के मतलब क्या है, 3 गलत पर 1 नंबर आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, याद रखिएगा इस चीज को। पेपर आपके 3 जो है उसमें आपको पढ़ना है जीके, जीके 40 गो रहेगा, जनरल नॉलेज है 40 गो आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद झारखंड में है तो झारखंड से आपको जीके पढ़ लेना है, मतलब आपको इसमें करेंट अफेयर भी शामिल कर लीजिएगा, समझ में आ गया। जीके 40 गो क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद झारखंड से आपको रहने वाले हैं इसमें आपको 50 क्वेश्चन, तो इसमें झारखंड से करेंट से भी पढ़ लीजिएगा करेंट वाला, और आपको जीके इसमें जो भी झारखंड से रिलेटेड है उसको जीके को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद मैथ पढ़ना है, उसके बाद साइंस पढ़ना है, मैथ और साइंस। ये जो आप देख रहे हैं ना, किस आधार पर, 10वीं में जो पढ़े हैं मैथ और साइंस, जिनका मजबूत है, जो अच्छा साइंस और मैथ में जानकार है, आराम से इस एग्जाम को करेक्ट कर लीजिएगा। टोटल जो होने वाले हैं 120 क्वेश्चन रहेंगे, और कितना, 3 नंबर का, यानी 360 नंबर होंगे, 360 नंबर यहाँ और 300 नंबर यहाँ। ये दोनों पेपर जो देख रहे हैं ना, यही दोनों पेपर आपको मेरिट लिस्ट बनेंगे, यही पेपर से आपका सिलेक्शन भी होगा, समझ में आ गया। ये पेपर आपको सिर्फ हिंदी इंग्लिश में आपको क्वालिफाई करना है, अगर आप होंगे तभी ये पेपर होंगे। टाइम भी 2 घंटा का रहेगा, और इसका निगेटिव मार्किंग 1/3 का रहेगा निगेटिव मार्किंग। ये रहा इसका सिंपल सा मतलब कि सिलेबस पेपर। एग्जाम का तैयारी अगर आप कर लेते हैं एकदम आराम से तो इसमें आराम से जॉब ले लीजिएगा। याद रखिएगा कि आप ये झारखंड से हैं तो अदर स्टेट वाले भी, अदर स्टेट वाले जनरल से भरेंगे, जनरल से। बाकी अगर आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो अपना कैटेगरी से ही बनवा भरिएगा। उसके बाद भरने के बाद जो है ना भर दीजिएगा तो आराम से ये पेपरों का आप आराम से एक भाषा आप कोई भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। हिंदी जानते हैं हिंदी, खोरठा, मराठी, जो भी जानते हैं उस भाषाओं को अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। 300 नंबर का होने वाला है, ठीक है। तो ये रहा सिंपल सा एकदम इसका सिलेबस, आराम से एग्जाम क्रैक कर लीजिएगा। वेतन तो स्टार्ट है 30,000 से, अच्छा खासा है, और इसमें आपको जॉब जो है ना वो झारखंड में ही मिलेंगे, आराम से है। झारखंड में फील्ड वर्क का काम है, और कर सकते हैं लड़का हो या लड़कियाँ, इसमें कर लीजिएगा।
कोई दिक्कत नहीं है। फोब कब से स्टार्ट है? 1 अगस्त से स्टार्ट है और 31 अगस्त तक मतलब लास्ट है, आप भर लीजिएगा। बाकी आपको जो डॉक्यूमेंट में है ना, डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए, इसके आगे के प्रोसेस क्या होंगे, मान लेते एग्जाम कब होगा, एग्जाम का डेट कब होगा, ये सारा चीज़ जानकारी हम इसी चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। आप मेरे चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि ऐसा जॉब और ऐसा इंपॉर्टेंट जो अपडेट है वो छूटे नहीं, आपके पास जरूर पहुंचे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और अपना तैयारी बनाते रहिए और अपनी जो है ना मंजिल के पाने के लिए एकदम आस में बैठे रहिए, क्योंकि भाई साहब कभी ना कभी आप मेहनत करते हैं तो कभी ना कभी आप सफल तो जरूर होइएगा, जरूर एक दिन जरूर होइएगा। तो ये आप वैकेंसी को मिस नहीं करना है, ठीक है, उम्र रहते हुए, क्वालिफिकेशन रहते हुए। बाकी इसकी जो भी नए अपडेट आएंगे वैसे हम इस चैनल के माध्यम से बता देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।